हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेहंदी का पैक लेके आई हूँ जो कि एक हेयर पैक की तरह काम करेगा। इसमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ें आप मिला के इसको इस टाइप का बना सकते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, चाहे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, आपकी स्ट्रेंथ कम हो बालों की, आपकी शाइन कम हो, फ्रिजी हेयर हो, वो सारी चीज़ें ही सॉल्व हो जाएंगी। और ये आराम से घर पर चीज़ें मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती हैं तो आसपास के मार्केट में भी मिल जाएंगी इजीली। तो और ये बनाना भी बहुत आसान है, ये जो हेना पैक है। तो आप जब भी मेहंदी लगाएंगे तो उसके साथ इन चीज़ों को डाल लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से कंडीशनिंग करेगा आपके बालों की और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो भी फ्रिजीनेस वगैरह है। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके बालों की कंडीशनिंग भी करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है हमें। तो सबसे मेन जो चीज़ हमें चाहिए वो है ये मेहंदी। एंड ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नूपुर की मेहंदी, क्योंकि ये मेरे बालों को सूट करती है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये 35 रुपीज़ का पैकेट आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट हमें चाहिए एलोवेरा का जूस, और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आपको ये एलोवेरा की जो लीफ है, फ्रेश लीफ लेनी है और इसको जो साइड से जो ये काटे हैं उनको निकाल लेना है। एंड उसके बाद इसका जेल निकाल लेना है, जिसका प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है आपको। एलोवेरा के जूस को बहुत ही अच्छा कंडीशनिंग एजेंट माना जाता है। ये फ्रिजीनेस को कंट्रोल करता है और आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है। एलोवेरा में विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी रिच मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा आपके बालों की। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं हेना पैक बनाऊँ तो इसमें एलोवेरा को ज़रूर इंक्लूड करूँ। एलोवेरा का जो जूस होता है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसे कि डैंड्रफ हो गई, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको भी ये सॉल्व कर देता है। और ये हमारा फ्रेश जेल जो है वो निकल चुका है। अब हमें इसे मिक्सी में जो है वो पीस लेना है। और अगर आपको ये मतलब थोड़ा सा पीस नहीं रहा हो तो हल्का सा पानी में डाल सकते हैं, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि अवॉइड करूँ पानी को डालने की। एंड इसको डालने के बाद में आप इसे जब मिक्स कर लेंगे मिक्सी के अंदर तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, मतलब थोड़ा स्लाइमी सा लिक्विड सा बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए चाय पत्ती का पानी। एंड जो चाय पत्ती होती है वो काफ़ी अच्छे से कंडीशन करती है आपके बालों को। एंड इसमें होता है कैफीन जो कि बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खाली चाय पत्ती के पानी से भी अपने बालों को धोते हैं तो उससे हेयर की जो ग्रोथ होती है वो स्टिमुलेट होती है एंड बालों का झड़ना काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉफ़ी। एंड ये जो 1 रुपये वाला कॉफ़ी का पैकेट होता है वो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट्स लिए हैं पूरे पूरे। एंड आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं लूँगी तिल का तेल। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं, कुछ इस टाइप की कढ़ाई जो लोहे की कढ़ाइयाँ घर पे होती हैं। आप एक कोशिश कीजिएगा कि अलग से ये कढ़ाई बना ले जब भी आप, अगर आप रेगुलरली हेना का पैक लगाते हैं तो ये जो कढ़ाई है इसको मैंने मेहंदी के लिए रखा हुआ है। तो इसमें मैं पहले पैकेट्स को निकाल लूँगी जो भी मेहंदी के पैकेट है। एंड मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं सिर्फ जो ऊपर का जो क्राउन पोर्शन है वहाँ पर ही मेहंदी लगाऊँ, पूरे बालों में मैं मेहंदी नहीं लगाऊँगी। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक पैकेट ले रही हूँ जो नूपुर का मैंने आपको दिखाया था वो वाला।
आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी की क्वांटिटी लीजिएगा। उसके बाद मैं ऐड करूँगी तिल का तेल 1 चम्मच, और जो तिल का तेल होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल से रिच होता है, ये विटामिन्स काफ़ी होते हैं इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे से बालों को स्टिमुलेट करेगा बालों की ग्रोथ को एंड शाइन भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा का जूस जो हमने निकाला था, एंड उसके बाद में ये कॉफ़ी पाउडर। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। एंड वैसे तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इतना लिक्विड इसमें यूज़ कर रहे हैं, बट अगेन अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लगे तो आप उसमें ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाय पत्ती का पानी यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी पानी को एंड मिलाती रहूँगी। अगर एक साथ डालेंगे तो पानी का अंदाज़ा नहीं लगेगा और मेहंदी गीली भी हो सकती है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के जो लम्स हैं उनको मैं फोड़ती रहूँगी ताकि एक इवन सिल्की सा पेस्ट बन जाए इसका। एंड आपको ध्यान रखना है कि इसमें लम्स जो हैं वो ना रहे, बिल्कुल सिल्की स्मूथ पेस्ट बने। एंड आप इसमें चाहे तो अंडे को भी डाल सकते हैं, अंडा ऑप्शनल है, आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है अंडा, बट आप अंडे को अगर डालेंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है। एंड वैसे कहा जाता है कि अंडे के अंदर काफ़ी प्रोटीन होता है, तो अंडे को अगर आप नॉर्मली भी मतलब सिर्फ अंडा लगाते हैं अपने बालों में तो आपको इंस्टेंट शाइनिंग दिख जाती है, लेकिन कई लोगों को उसकी जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप जो ये मेहंदी लगा रहे हैं उसके अंदर अंडा डाल सकते हैं, इससे स्मेल जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। स्मेल आएगी ज़रूर लेकिन काफ़ी कम हो जाती है, तो मतलब जिसको आप बियर कर सकते हैं इतनी स्मेल रह जाती है जितनी आप बियर कर सकते हैं। तो आप इसमें अंडा डाल के भी अपने बालों को हेल्थ प्रोवाइड करता है। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं इस पैक के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके बालों के लिए। अगर आपको झड़ने की बाल प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिजी बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये पैक, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं वो फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ को भी रिमूव करता है। एंड इसमें फ़ायदा एक ये है कि जैसे कि आप अगर मेहंदी आप लगाते हैं तो आपको पता होगा कि मेहंदी थोड़ा सा रेड कलर देती है, तो जो कि थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसमें जो हम चाय पत्ती का पानी एंड जो कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से बालों का जो कलर है वो थोड़ा चॉकलेटी ब्राउन टाइप का हो जाता है, तो जो कि धूप में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से शाइन करता है। आपको एक दो बार में ही अपने बालों का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव लगेगा, बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं इसको लगाने के बाद में। एंड इस टाइप से आपको ये गुटलियाँ जो है इसमें जो छोटे छोटे लम्स बन रहे हैं उनको फोड़ते रहना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है। एंड लगातार मिक्स करने के बाद में आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, जैसे अगर आपको कल मेहंदी लगानी तो आज आप रात में बना के रख लीजिए इस पैक को, वरना आप अगले दिन नेक्स्ट डे जब भी आपको लगानी है उससे 4 घंटे लगभग इसको ऐसे ही रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो ये कढ़ाई जो है लोहे की जो कढ़ाई है उससे थोड़ा सा ब्लैक कलर इसके अंदर आ जाता है, तो वो भी आपके जो बाल हैं उसमें रेडनेस को कम करेगा, जब मेहंदी लगाते जैसे जो रेड कलर इम्पार्ट करती है वो कम करेगा। बनके तैयार हो चुका है, तो आइए देख लेते हैं इसे लगाना कैसे है। तो लगाने का प्रोसीजर काफ़ी इजी है, आप आराम से खुद भी लगा सकते हैं। कई लोगों को डर लगता है कि हम कैसे लगाएंगे, लेकिन आप आराम से अपने आप भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ अपने क्राउन पोर्शन में लगाना है, जो सिर का जो पोर्शन होता है स्कैल्प वाला पोर्शन, वहाँ मेहंदी लगानी है या फुल लेंथ में लगानी है। अगर आपको फुल लेंथ में मेहंदी लगानी है तो आपको जो अपने बाल हैं उसको थोड़े थोड़े थिक सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है एंड उसमें इंडिविजुअली लगा के कुछ स्टेप से जूड़ा बनाते जाना है। तो आप जो स्ट्रैंड्स हैं उनको राउंड करके स्टेप से जूड़ा बनाएंगे एंड उस जूड़े के ऊपर ही जो स्ट्रैंड्स आपने जो बालों का जो पोर्शन लिया है उसमें इंडिविजुअली लगा लगा के एंड राउंड करते जाएंगे, जूड़ा लगाते जाएंगे। लास्ट में आपको फ्रंट का जो पोर्शन है वहाँ पे भी आराम से लगा लेना है ताकि कोई पार्ट छूट ना जाए। अगर आप सिर्फ क्राउन पोर्शन में लगा रहे हैं तो आप इंडिविजुअली जो है बालों का पार्टीशन करके इवनली दोनों साइड लगा सकते हैं।
एंड दैट्स इट था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।